सो हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ट्रॉली वाला मशीन जो आप रांची भर में ढूंढते रहते हो। रांची नहीं, पूरे इंडिया भर में आप लोगों को इसी शॉप में बस आप लोगों को जो मशीन मिलने वाला है। तो क्या डिटेल्स मिलने वाला है, कौन सा जनरेटर आप लोग को यहाँ से मिलने वाला है और क्या प्राइस में मिलने वाला है, हर एक जानने वाले हैं इस वीडियो में। सो आपका क्या नाम है और एड्रेस भी क्या है, हर एक जानते हैं इस वीडियो में। चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ के जो ऑनर उनसे बात करते हैं और सारी जानकारी आप लोग को दिलाते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं सर के पास और अभी हम सारी जानकारी लेने वाले हैं कि क्या प्राइस में पड़ने वाला है। ये जो मशीन जनरेटर आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरे इंडिया भर में सर के पास है या फिर हमें बाहर कहीं और भी मिल जाता है? तो सबसे पहले कैसे हैं सर? आदित्य हम बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले सर एड्रेस बता दीजिए प्रॉपर कि हमारे ऑडियंस आपके पास आ सके, और कैसे आना है वो बता दीजिए थोड़ा सा। सर मैं रांची भारत मशीनरी अपर बाजार महावीर चौक प्यादा टोली बॉम्बे मेडिकल से बात कर रहा हूँ और जनरेटर इंडस्ट्रीज में आदित्य ये क्रांति बिल्कुल लेके आ गया है। अच्छा, और हमें ये बताते हुए बेहद तकलीफ भी है कि भारत में 142 करोड़ लोग से ज्यादा रहते हैं लेकिन दुर्भाग्य से 99% लोगों को जनरेटर के बारे में सही जानकारी का अभाव है। अच्छा, अब लोग पूछते हैं कि भाई ये आप कैसे कर सकते हैं कि 99% लोग सही जानकारी नहीं रखते हैं। तो यहाँ का आदमी दो चीज जानता है, कितना केवी का जनरेटर है, कितना वोल्टेज देता है। अरे आम आदमी को छोड़िए, भारत में जो 10,000 जनरेटर बेचने के दुकानदार हैं उनको तो सही चीज का मालूम ही नहीं है, तो आम आदमी को क्या मालूम रहेगा? क्या मालूम रहेगा, सही बात है। हम आज इस वीडियो के माध्यम से कई महत्वपूर्ण जानकारी भारत के लोगों को देना चाहते हैं और भारत के लोग उसको ध्यान से सुने कि हम जो कह रहे हैं वो क्या बात समझा रहे हैं जो आपको आज और आने वाले भविष्य में काम आएगा। और जनरेटर लेने के संदर्भ में भारत का कोई भी दुकानदार आपको ठग नहीं पाएगा, ठग नहीं पाएगा। जैसे हमारा ये पहला प्रोडक्ट है, 10 किलो वजन है इसका, मात्र 10 किलो इतना हम खेल सकते हैं इसके साथ, मात्र 10 kg वेट है इसका। जी, 1 लीटर में 3 घंटा चलता है, 10 LED बल्ब, 4 पंखा, 1 TV, 1 फ्रिज चलाता है। अगर हम इसे टुल्लू पंप चलाना चाहें तो 1 HP तक का टुल्लू पंप चलता है। 38,500 रुपया दाम है। हम संक्षेप में आपको प्रोडक्ट के बारे में 2 मिनट में सारा जानकारी देते हैं और आज हम इस वीडियो में लाइव टेस्ट करके दिखाएंगे कि भारत का जो आम जनरेटर है उसमें क्या फर्क है और इसमें क्या फर्क है। पहले तो आप सुन लीजिए क्या फर्क है। भारत में आप कोई भी जनरेटर ले, चाहे वो हैंडल मार के घुमाने वाला ले या जो चाइनीज टाइप का जो छोटा वाला जनरेटर आता है, अभी हम आपको दिखाएंगे वीडियो में, आप उसको भी देख लीजिएगा। सबसे बेसिक चीज जो फर्क आ रहा है, जब आप लोड डालते हैं उसका फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाता है। पहले आपको फ्रीक्वेंसी रहेगा 50, आप लोड डालेंगे 49, 48, 47, 46, या फ्रीक्वेंसी नाम का चीज अगर आप जीवन में नहीं सुने हैं, नहीं जानते हैं, आप फिर भी जानना चाहते हैं कि इसको हम कैसे जांच कर सकते हैं, आप एक 10 रुपए का बल्ब खरीद लीजिए और उस बल्ब को जनरेटर से जोड़ दीजिए। अगर आपका बल्ब की रोशनी ऐसे आपको लग रहा है कि कांप रहा हल्का, समझ जाइए वो जनरेटर की क्वालिटी खराब है, क्योंकि वही एक चीज है जिसके कारण आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा, आपका AC सही नहीं चलेगा, एक्सरे मशीन सही नहीं चलेगा, फ्रिज आपका सही नहीं चलेगा, साउंड सिस्टम सही नहीं चलेगा, या कोई भी जो बिजली से चलने वाला सेंसिटिव प्रोडक्ट है वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा ही नहीं। अरे जब आप उसको करंट ही सही नहीं देगा तो परफॉर्मेंस कहां सही करेगा। हमारे सभी जनरेटर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से युक्त है और यही एक कारण है कि तेल का खपत आधा, वजन आधा से भी कम, साउंडलेस और रिमोट स्टार्ट की सुविधा। रिमोट स्टार्ट भारत में लोगों को कहिएगा कि रिमोट से जनरेटर स्टार्ट होता है वो मानेगा ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैक्सिमम मॉडल जो हमारे हैं वो रिमोट स्टार्ट है। अब आपको संक्षेप में थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं। ये 1.5 KV है, इसमें आपको मैंने बता दिया क्या करता है, ये क्या करता है, 38,500 दाम है, ये 1700 वाट है, ये अपना इसमें जो काम करता है उससे इसमें आप ऐड कर सकते हैं वॉशिंग मशीन को। ये अपना ट्रॉली व्हील के साथ है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये सुविधा दिया हुआ है, आप इसको ट्रॉली के माध्यम से कहीं भी आना नहीं जाना आराम से कर सकते हैं, मतलब इसको आराम से कोई भी ढके के और इसमें डिजिटल देखिए बहुत इजी वे में आराम से स्टार्ट हो गया। वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, किलोवाट का लोड, आवर मीटर, फ्यूल मीटर, यहाँ से मोबाइल लैपटॉप चार्ज करने की सुविधा, यहाँ से इन्वर्टर बैटरी कार बैटरी चार्ज करने की सुविधा, और ये दो जनरेटर को आपस में जोड़ने की सुविधा, मतलब जनरेटर को आपस में आप जोड़ सकते हैं, मतलब इतनी सारी चीजें हैं जो हम आम आदमी को विश्वास में ही नहीं आएगा कि एक जनरेटर में इतना सारा भी हो सकता है। यही तो मैं बता रहा हूं, ये थर्ड जनरेशन जनरेटर से मैं आज आपको अवगत करा रहा हूं और आपको लेना हो या नहीं लेना हो एक बार आकर के आप यहाँ पे शोरूम में देखिए ताकि आपका जीवन में जो नॉलेज है जनरेटर के प्रति वो आपका इंप्रूव हो जाए।
उसके बाद ये अपना जो रिमोट स्टार्ट सुविधा वाली मैं आपको बता रहा था, इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें एक एसी, पंखा, बत्ती, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सारा चीज चलेगा। ट्रॉली व्हील इसमें भी लगा हुआ है और रिमोट से हम आपको चालू करके दिखा रहे हैं। ये चालू हो गया, देखिए वोल्टेज 234 किलोवाट, कितना तेल है, ये इको सिस्टम हो गया। यहाँ से आप बंद कर सकते हैं, यहाँ से आप कार बैटरी नोटबुक चार्ज कर सकते हैं, यहाँ से आप लैपटॉप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, यहाँ से आप दो जनरेटर जोड़ सकते हैं और ये दो जनरेटर को जोड़ने दो पॉइंट से आप आउटपुट ले सकते हैं। तमाम तरह की चीजें दी हुई हैं। इसके साथ ये आपका 6 KV है, इसमें आप दो AC, पंखा, बत्ती, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सारा चीज इकट्ठा चला सकते हैं। इसमें भी आपको रिमोट स्टार्ट की सुविधा है, ट्रॉली व्हील की सुविधा है, डिजिटल डिस्प्ले की भी इसमें सुविधा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारा डिजिटल चल रहा है आपका और ये रिमोट से हम चालू कर रहे हैं, तो आप देखिए रिमोट से चालू हो रहा है। और इसमें भी तमाम वो फीचर्स जो मैंने पहले आपको बताया था वो सारा चीज इसमें भी आपको मिलेगा। ये आपका 10 KV है, इसमें आप साउंड सिस्टम, बड़े मॉल, रेस्टोरेंट, एक्सरे मशीन वाले जो बड़ा कोई यूज है उसके लिए बेस्ट है। इसमें भी रिमोट स्टार्ट की सुविधा है, डिजिटल डिस्प्ले है, ट्रॉली व्हील है, सब कुछ इसमें लगा हुआ है। 27 लीटर टंकी है, 4 AC चलता है, 20 KV तक का जो DJ में इस्तेमाल करते हैं लोग उसके लिए भी ये काफी है। या रेस्टोरेंट है, मॉल है, 2 AC है, 20 पंखा है, 50 लाइट है, 1 मिक्सर है, 1 TV है, सब चीज चलेगा, सारा चीज चलने वाला है बिल्कुल। और ये जो जनरेटर आपका है जिनको कम बजट में 2 AC चलाना हो और घर का तमाम लोड चलाना हो या 2 HP मोटर चलाना हो, इसमें भी रिमोट स्टार्ट के साथ सारी सुविधाएं हैं। आप देख पा रहे हैं कंपनी दो दो रिमोट साथ में देता है। टंकी आपका 18 लीटर का है, 1 लाख रुपए इसका कॉस्ट है और जो मैंने 10 KV आपको बताया था उसका 2,40,000 रुपए, इसका 2,40,000 रुपए प्राइस रखा गया है। एक बार इसका भी मैं दाम बता देता हूँ, 1,52,500 है। इसमें 2 AC, पंखा, बत्ती, टीवी, फ्रिज सब चीज चलेगा। ये 3.5 KV है, 95,000 रुपए कॉस्ट है। ये 2.5 KV है, इसमें 75,000 रुपए कॉस्ट है। दाम के संदर्भ में एक विशेष बात, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमारा दाम रहता है, उसके बाद हर साल 1 जनवरी को नया दाम आता है। आप वीडियो कब देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप देख रहे हैं 2 साल पुराना वीडियो फिर आके बोल रहे हैं इतना ही दाम हम सुने थे, भैया बेवकूफ मत बनिए और बेवकूफ बनाइए नहीं, सिस्टम से चलिए। तो बेवकूफ से एक बात पूछना चाहते हैं कि जो प्राइस अभी आप हम लोग को बता रहे हैं, हाँ, कस्टमर अगर आ गया तो आप सही में वो प्राइस देने वाले या फिर? हम जो दाम बता दिए वो फिक्स एंड फाइनल प्राइस है। भारत के किसी भी कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ब्लू डार्ट कुरियर से हमारा डोर डिलीवरी का एग्रीमेंट है, भाड़ा आपको पे करना पड़ेगा, डिलीवरी करने का जवाबदेही हमारा है, 1 साल की वारंटी है, पेट्रोल इंजन बनाने वाला मैकेनिक इंडिया में हर जगह पे है, कहीं भी बन जाएगा। अभी कुछ लोग ऐसा भी बाजार में हमने देखा है कि कह रहे हैं कि ये 7.5 KV का जनरेटर है, 3 AC चल जाएगा, 1 लीटर तेल खाता है। ऐसे लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि आप उनके दुकान पे चले जाइए, वो कहते हैं 7.5 KV है, आप 7.5 KV का हीटर का तार खरीद लीजिए, 200-300 रुपए मिलता है। अच्छा, अरे 1 लाख रुपए आप जनरेटर में लगाने जा रहे हैं तो 300 रुपए आप तारे पहले खरीद लीजिए और उसको बोलिए इसको जोड़ देते हैं, 1 घंटा में बैठते हैं, 1 लीटर तेल आप कह रहे ना चलेगा, हम 4 लीटर तेल देते हैं। अच्छा, चला के दिखाइए, दुकानदारों समझ जाएगा और आप भी अच्छे तरीके समझ जाइएगा कि किससे हमको भेंट हो गया। मतलब इतना विश्वास दिलाने के बाद आपको सर ये जो मशीन दे रहे हैं, हाँ, तो एक विश्वास होता है आदमी का कि भाई जो आप लोगों को विश्वास है आप लोग मशीन दे रहे हैं, इतना खुल के आप लोग कोई बताने वाला नहीं है कि मुझे इसमें मिल रहा है। हाँ नहीं, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जैसे ये 2.5 KV का जनरेटर है, अभी हम 2.5 KV का जो बाहर का जो जनरेटर नॉर्मल आता है उसमें 196 CC का इंजन होता है, इसमें 98 CC। अरे जब इंजन ही आधा पावर का है तो तेल भी तो आधा ही खपत करेगा और वो 1 HP समरसिबल चलाने में उसका दम निकल जाता है, इसमें 1.5 HP चलता है, इसमें AC जनरेटर का चलता है। तो ये कमाल है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का जो कि फ्रीक्वेंसी को डाउन नहीं होने देता है। जब मैं भी आपको ऑनलाइन टेस्ट करके दिखाऊंगा तो आप भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। धन्यवाद। तो सर जैसे कि मार्केट में तो बहुत सारा जनरेटर का शॉप है, बट आपके पास क्यों आना है हमारे ऑडियंस को, थोड़ा सा रीजन बताइए क्या? सर मेरा जनरेटर में सबसे बड़ा खासियत है कि ये साइलेंट जनरेटर है। अच्छा। प्लस ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से युक्त है, मतलब कि आपका जनरेटर जो उसमें 400 सीसी का जो इंजन काम करेगा वो हमारा 200 सीसी का इंजन काम करेगा। अच्छा। उसका वजन अगर होगा 80 किलो तो हमारा वजन होगा 40 किलो। उसमें अगर तेल आपका 4 लीटर प्रति घंटा खा रहा तो ये खाएगा 2 लीटर प्रति घंटा। प्लस इसमें ट्रॉली व्हील की भी सुविधा है और सबसे बड़ा चीज इसमें फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता है, मतलब कि आधा पैसा उनका बचा दे रहे सीधा, पैसा भी बच रहा है और प्रति घंटा जो तेल का खपत है वो भी बच रहा है। लाने ले जाने में बहुत ज्यादा सुविधाजनक भी है, चालू करना भी बेहद आसान है।
तो ये सारी चीजें जो थर्ड जनरेशन ये जनरेटर है इसके कारण ये उपलब्ध हो रहा है। तो ये जो आपके पास जो जनरेटर है ये सिर्फ इंडिया भर में आपके पास इंपोर्ट होता है या फिर कहीं और भी होता है? पूरे इंडिया का हम इंपोर्ट एकमात्र करते हैं, जो स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, फोन नंबर, एड्रेस, इंपोर्टर, भारत मशीनरी, सारा डिटेल दिया हुआ है। और इसमें हम बताना चाहते हैं कि ये कंपनी वर्ल्ड वाइड है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्राजील हो, नाइजीरिया हो, दुबई हो, जर्मनी हो, रशिया हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, पूरे वर्ल्ड में इसका 120 कंट्री में ब्रांड रजिस्टर्ड है। 30 साल से ज्यादा पुराना कंपनी है, 11 ओवरसीज ब्रांच ऑफिस पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल फेमस ब्रांड। और जनरेटर के क्षेत्र में इसमें रेंज भी बहुत ज्यादा है आपका। अच्छा, जैसे कि आप ये चार रेंज देखिए यहाँ पर है, इसके बाद आप देखिए इसमें और भी ज्यादा रेंज उपलब्ध है, मतलब अलग अलग बहुत सारे काफी मॉडल्स हैं, बहुत ज्यादा मॉडल्स हैं। इसमें ऐसा भी जनरेटर जो सिंगल फेस और थ्री फेस एक ही साथ काम करेगा, वेल्डिंग जनरेटर की सुविधा है। अच्छा, तमाम चीजें हैं हमारे पास। बहुत सर, कुछ कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स देना चाहते हैं तो हमें हमारे ऑडियंस, मैंने आपको अभी कंपनी की वर्ल्ड वाइड है मैंने आपको बताया है। अच्छा, और एक चीज मैं जोड़ देता हूँ, फाइनेंस की सुविधा के बारे में जो बहुत ज्यादा है, बजाज कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हमारे यहाँ फाइनेंस हो सकता है। बजाज और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से टोटल स्पेयर पार्ट्स की मेरे पास अवेलेबिलिटी है, पूरे इंडिया कनेक्टिविटी के साथ हमारा ब्लू डार्ट से जुड़ा हुआ हूं मैं। अच्छा, तो ये फाइनेंस मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी करा सकते हैं? बिल्कुल, बजाज का कार्ड कहीं भी किसी का हो या क्रेडिट कार्ड हो, हम पेमेंट का लिंक भेज देंगे, आप घर बैठे फाइनेंस कर सकते हैं। मेरा ये कहना है, पहला कोशिश आप ये कीजिए कि आप यहाँ आइए, क्योंकि ये 10,000 5,000 का सामान नहीं है, ये लाख, 2 लाख, 2.5 लाख का सामान है, 50,000 का सामान है। आप एक बार खुद आके देख के तसल्ली कीजिए, जांच कीजिए, पूरा अपने आप को इत्मीनान कीजिए, और जो हमारा लोड टेस्ट करेगा, जो मीटर बाहर लगा हुआ है उसमें आप अपने आप को तसल्ली कीजिए, उसके बाद ही आप प्रोडक्ट को खरीदे तो ज्यादा बेहतर है। कॉन्टेक्ट करने के लिए हम नंबर आपको दे रहे हैं, लेकिन चूंकि फोन इतना ज्यादा आता है कि सारे फोन को अटेंड हम लोग नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम आपको नंबर बता रहे हैं, 9334009723। ये हमारे विजय कुमार का नंबर है जो कि फोन उठाते हैं। एक हमारे कॉल सेंटर पे और भी है, मिस्टर रविशंकर पाठक, 8002836185 है। और एक हमारा नंबर है जो आप लिख सकते हैं, 8987415317। ये तीनों नंबर आपको डिस्प्ले पे भी मिलेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और साथ में ये टोल फ्री नंबर है हमारा 1800890717। फिर से हम ये दोहराना चाहते हैं, फोन आप कर रहे हैं, फोन उठेगा कि नहीं उठेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बेहतर है आप फोन करने को छोड़ के आप आने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। तो अभी हम लोग आए हैं जनरेटर टेस्ट करने के लिए, और सर हम अभी बताएंगे कि जनरेटर सही मतलब कौन सा होता है ना। देखिए, जनरेटर के बारे में सबसे बेसिक आपको ये जानकारी होना चाहिए, अभी ये जनरेटर मार्केट में बिकता है इस तरह का, ब्रांड कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, मॉडल यही रहेगा या फिर जो हैंडल मार के जो डीजल वाला चालू करते हैं वो रहेगा। अभी हम कोई भी लोड इस टेस्टिंग मोड में दिए नहीं, सिर्फ कनेक्शन को जोड़े हैं, कनेक्शन जोड़े, फ्रीक्वेंसी आप देखिए लगातार ये ऊपर नीचे हो रहा है, यही आम आदमी नहीं समझता है ना जानता है, क्योंकि ये देखिए 50 42 हो रहा है, 38 हो रहा है, 31 हो रहा है, 20 हो रहा है, 36 हो रहा है, कुछ भी हो रहा है अपने मन से। अब हम लोड डालेंगे तो देखिए क्या स्थिति होगी इसकी, ये आ गया 49 पॉइंट समथिंग में आ गया, अगर हम इसको और लोड बढ़ा रहे तो 47 48 में आ गया, और अगर फुल लोड कर रहे हैं तो ये आपका 47 पॉइंट 36 में आ गया, जबकि 219 करंट है, 10 एम्पीयर का लोड है, और 47 जो कि 50 होना चाहिए कम से कम, आप देख पा रहे बल्ब आपका रोशनी हल्का हल्का ब्लिंक कर रहा है, यही वो चीज है जिसके कारण भारत में कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट आपका सही काम नहीं करेगा। अब मैं आपको सेंसी का तुरंत जोड़ के दिखाता हूँ कि उसमें क्या स्थिति होती है। अभी आप सेंसी रेजुलेटर को देखिए, ये जो 50 फ्रीक्वेंसी है ये बराबर 50 पे बना हुआ है, अभी हमने लोड नहीं डाला है, अब हम लोड डाल के दिखाते हैं, इसमें देखिए क्या स्थिति होगी। वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, किलोवाट, तीनों चीज को आप गौर कीजिए, हमने 1 किलोवाट का लोड दे दिया है फिर भी ये 50 ही है, हमने 1000 और भी दे दिया है, 49.99 है, मतलब लगभग 50 ही है। वोल्टेज मेरा 230 अभी भी बना हुआ है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रहा है, ये इसका फुल लोड हो गया, फुल लोड पे भी ये अपना 50 के लगभग ही है, अगर हम ओवरलोड भी कर रहे हैं तो भी ये अपना 10.36 एम्पियर का लोड है, 230 31 वोल्टेज है, और लगभग ये 50 आपका फ्रीक्वेंसी अभी भी आ रहा है, यही वो चीज है जो लोग नहीं समझते, जबकि उस इंजन में और इस इंजन में इंजन जो है आधा है, उसमें 96 cc है, इसमें 98 cc है, वजन भी आधा से भी कम हो गया, साइलेंट हो गया,
धन्यवाद।